अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्लो मास्क। तो ग्लो मास्क के लिए फ्रेश लेमन जूस की ज़रूरत पड़ेगी 1 टेबल स्पून, जो कि मैंने इमाम दस्ते में डाल दिया है। ये मैंने फ्रेश लेमन जूस लिया था, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ रोज़मेरी के लीव्स। रोज़मेरी लीव्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। या आपके फेस पे, आप सम टाइम देखते हो कि फेस पे स्वेलिंग हो फील होती होगी, तो ये स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है, फेस पे जो पफनेस होती है उसको ख़त्म करती है ये रोज़मेरी लीव्स। तो मैं इसका मास्क में अपना इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो ये मैंने लेमन के अंदर डाल दी हैं रोज़मेरी लीव्स, थोड़े से पत्तियाँ मैंने ली हैं, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं ये। तो अच्छे से मैंने लेमन के साथ इसको मैंने मिक्स कर देना है। अच्छे से मैं देखें मिक्स कर रही हूँ उसको, अच्छे से इसको मिक्स करके मैं इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर और संदल पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ लंदन में तो ये पैकेट्स में आता है, पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें। मुल्तानी मिट्टी भी अवेलेबल है और संदल पाउडर भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और लेमन जूस तो हर घर में होता है। तो अब ये रोज़मेरी लीव्स भी मिलते ही होंगे, आप जाके हर्ब्स की शॉप पे मालूम करें, ज़रूर आपको मिलेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने मिक्स करके इमाम दस्ते से मैंने बाउल में डाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा हाफ टी स्पून संदल पाउडर और हाफ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी में इसके अंदर डालूंगी। ये देखें मैंने डाल दिया। अब ये डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इस फेस ग्लो मास्क एक्नी, ये बहुत अच्छा है फेस के लिए। आप इसको जिनके फेस पर एक्नी हो या पोर्स ओपन हो उसके लिए, इसके लिए बहुत अच्छा है ये मास्क। ये ऑर्गेनिक मास्क भी कहलाता है, क्योंकि ये हमने घर में बनाया है, प्योर संदल प्योर हमने हाथ से हर चीज़ प्योर हमने खुद से देख के करी है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक मास्क भी खिलाता है जिस। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है, और मैंने लगा भी लिया अपने फेस पर, क्योंकि मुझे आज लगाना था, आज टर्न थी मेरी फेस मास्क लगाने की। और ये आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया अपने फेस पर। जब ये ड्राई हो जाएगा तो लो जी, ये ड्राई भी हो गया है। अब हम इसको वॉश करके आपको दिखाते हैं कि वॉश करने के बाद स्किन क्या निकल के आई है। देखें, ये हमने वॉश कर लिया अपना फेस। मेरे फेस पर हैं 2-3 पिंपल्स, ये देखिए ये रहा एक पिंपल्स, और उस चिन पर है, और ये रहा। तो पिंपल्स तो खैर निकलते ही रहते हैं, मगर आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये मेरा मास्क कैसा लगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।